1.115 kg अभी ये इसका वेट बन रहा है। यहाँ पे मॉइस्चर है सिर्फ 5% ऐसा बचा है जो कि हमारे कपड़े सूखने लायक बचा हो। तो दोस्तों हम लोग को पता तो था कि एयर ड्राइंग से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क पड़ता है ये आज हम लोग ने कैलकुलेशन करके और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख लिया है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। दोस्तों मुंबई में बरसात शुरू हो चुकी है, मॉनसून आ चुका है। एक्चुअली सबसे छोटा प्रॉब्लम जो हमारे पर्सनल लाइफ में हम लोगों को होता है वो है कि कपड़े सूखते नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फटाफट कपड़े सुखा सकते हो मॉनसून के सीजन में भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों इसमें यह है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन होना चाहिए, वो भले सेमी ऑटोमेटिक हो या ऑटोमेटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे एक HTC मीटर लगा हुआ है, तो अब देखो यहाँ पे क्लॉक का फंक्शन है, टेम्परेचर हो रहा है 27.4 और ये है ह्यूमिडिटी। दोस्तों ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, कितना मॉइस्चर अभी इस वक्त हमारे हवा में मौजूद है। दोस्तों बारिश हो रही है इसकी वजह से यहाँ पे 95% जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों ये क्लॉक जो है मैंने अमेजोन से लिया था, स्लिम एंड स्लीक क्लॉक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, एकदम स्लिम एंड स्लीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कपड़े सूखते कैसे हैं। तो आपने देखा होगा कि धूप में रहेगा तो वैसे कपड़े का सूखना जो है वो फास्ट हो जाता है, लेकिन छाव में या फिर रात को भी कपड़े सूखते हैं, या ऐसा क्यों? हवा होती है, जो एयर होता है उसके अंदर होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी। तो क्या होता है कि नॉर्मल सीजन में, विंटर सीजन हो गया, समर सीजन में, यही जो मॉइस्चर है वो बहुत कम रहता है एयर में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कपड़े का मॉइस्चर है वो हवा सोख के लेके जाता है, इसी तरीके से हमारे कपड़े सूखते हैं छाव में या फिर रात को। तो बारिश के सीजन में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश के साथ में पानी आ रहा है और पानी हवा में से कैरी हो रहा है, तो इसकी वजह से ये 95% आप देखिए यहाँ पे मॉइस्चर है, सिर्फ 5% ऐसा बचा है जो कि हमारे कपड़े सूखने लायक बचा हो। नॉर्मली विंटर सीजन में आप देखोगे तो ये आंकड़ा होता है 45-50 के बीच में, समर में 35-40 के बीच में यहाँ पे आंकड़ा होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये बेडशीट को हम लोग धोएंगे, जो हमारे कपड़े हैं उसी के साथ में इसको भी डालेंगे, और हम लोग इसका टाइम टू टाइम वेट भी लेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं जब कभी हम लोग वॉशिंग मशीन के साथ इसको यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ क्यों, तो मेरे को आपको साइंटिफिकली बताना जरूरी पड़ता है, तो इसलिए इसका सबसे पहले हम लोग वेट करेंगे क्योंकि हम लोग को पता चल जाए कि बाद में कितना मॉइस्चर इसमें रह रहा है। तो ये डेस्टिनियो का 50 ग्राम से लेकर 50 kg तक हैंड हेल्ड मशीन है, तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे, यहाँ पे ये हुक हैंडल होता है और यहाँ पे नीचे हुक होता है, तो बस इसको आपको यहाँ पे लटका के इसका वेट लेना होता है। 1.115 kg अभी ये इसका वेट बन रहा है, तो इसको आप नोट करके लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, LG का 6.5 kg का ये मॉडल है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग वॉश करते हैं, जो भी आपका मोड रहेगा उस पर आप वॉशिंग कर सकते हैं। ये मोड में दोस्तों ना फजी वाले लास्ट के 5 मिनट में ना वो कपड़ों को खंगालता है, मतलब जो हम लोग मराठी में उसको पेड़ने बोलते हैं, जैसे जो हम लोग ऐसे निचोड़ते थे ना वैसे, वो ड्रम गोल गोल घूम के ना 5 मिनट घूमता है और उसमें का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालता है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं होता। अगर आपने वहाँ तक इसको ला के रुका दिया और मतलब वहाँ से ही सुखाना स्टार्ट कर दिया तो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी आपके कपड़े सूखेंगे नहीं, स्पेशली जब आप मॉनसून सीजन में हो गए तब। दोस्तों वॉश का साइकिल और स्पिन का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो नॉर्मली जैसे वॉश करते थे वो अब तक यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो उसके बाद जो बेडशीट हम लोग ने इसमें डाला था उसको निकालेंगे और उसका वेट करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितना पानी है अभी भी। तो ये 5 मिनट के स्पिन के बाद भी इतना पानी बाकी है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये 1700 ग्राम मतलब 1.7 किलो इसमें अभी वेट दे रहा है ये 5 मिनट के स्पिन के बाद में। वेट करने के बाद में फिर से हम लोग ने बेडशीट को अंदर डाल दिया है। अभी दोस्तों फंडा क्या है कि इसमें एक मोड रहता है जिसका नाम है एयर ड्राई मोड। तो एयर ड्राई मोड में काफ़ी हद तक कपड़े को सुखा देता है। सुखाता कैसे है, जितना हो सके उतना पानी हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं इस मोड के द्वारा। तो ये नॉर्मल जो स्पिन मोड होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये एक्सटेंडेड ड्यूरेशन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया, अभी देखिए एयर ड्राई पे मैं इसको करूंगा तो 30 मिनट्स यहाँ पे दिखा रहा है, 60 मिनट्स है ऑप्शन, 90 मिनट्स और 2 आवर्स का भी इसमें आप स्पिन लगा सकते हो। तो 2 आवर्स में तो बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा, मतलब अगर आपको बहुत ही अर्जेंट होगा, आपको 6 घंटे में कपड़े चाहिए सुखा के, तो फिर आप 2 घंटे का लगाइए और 4 घंटे में आपके कपड़े सूख जाएंगे। तो नॉर्मली जो मैं मोड यूज़ करता हूँ वो 30 मिनट्स का मोड होता है, बरसात के सीजन में 30 मिनट्स का यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं इसका यूज़ नहीं करता, मैं नॉर्मल ही वॉश करता हूँ। 30 मिनट्स में इसमें हम लोग कर देंगे स्टार्ट। दोस्तों अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो जो ड्रायर रहता है तो ड्रायर को आपको 30 मिनट के लिए ऐसे ही घुमाना है। तो मेरा जो वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है गाँव में 15-15 मिनट का 2 बार घुमाते हैं हम लोग ताकि 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाए। तो 30 मिनट्स हो जाने के बाद में हम लोग वापस से इसका वेट करेंगे ताकि पता चले कि 30 मिनट्स घुमाने से कितना पानी और एक्स्ट्रा निकला है। लास्ट मिनट है दोस्तों, ड्रम भी पूरी तरीके से रुक चुका है
और अभी किसी भी समय ये आवाज़ दे देगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। 30 मिनट्स कंप्लीटेड। सो अब दोस्तों इसका वेट ले लेंगे, तो 1615 इसका वेट है अभी। तो करीब करीब 75 ग्राम इसमें से पानी एक्स्ट्रा निकल चुका है। तो 75 ml पानी निकलने के लिए आप सोच सकते हो कितना टाइम लगेगा, और 95% ह्यूमिडिटी है स्पेशली, तो उसको काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम लग सकता है। एक काम करेंगे और 30 मिनट्स इसको घुमा के देखते हैं, लेकिन जो बाकी के कपड़े उसको निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि वो नॉर्मली हम लोग 30 मिनट्स ही घुमाते हैं ना उसको, तो उसको निकाल के फिर और 30 मिनट्स घुमा लेंगे इसको, और देखेंगे कि एक घंटे के बाद कितना पानी एक्स्ट्रा और निकलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा टाइम, फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम और घुमा के देख लेते हैं इसको क्या होता है। फिर से एक बार करेंगे इसको स्टार्ट, एयर ड्राई 30 मिनट्स के लिए स्टार्ट। दोस्तों 30 मिनट्स हो रहे, तब तक मैं आपको सुखाने के बारे में कुछ बता देता हूँ। दोस्तों आपको ऐसी जगह पे कपड़े सुखाने के लिए रखने हैं जहाँ पे हवा जो है वो कंटिन्यूसली आपके कपड़ों से आसपास मतलब पास हो सके। ऐसे नहीं कि किसी एक रूम में आपने बंद करके फ़ैन बंद करके रख दिया तो आपके जो घर के अंदर का हवा है वो बाहर जा रहा नहीं, बाहर का अंदर नहीं आ रहा है, तो कपड़े सूखेंगे नहीं ऐसे। तो हमारे पास एक्चुअली दो ऑप्शन है। हम लोग नॉर्मली जो है कपड़े वो इस तरीके से यहाँ पे बाहर लगाते हैं, लेकिन बाहर लगाने से प्रॉब्लम होती है कि हवा चलेगी बारिश के साथ में तो फिर से कपड़ा गीला हो जाता है, इसीलिए हम लोग यूजुअली अंदर ही लगाते हैं। फ़ैन चालू रखते हैं हम लोग, फ़ैन का स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, एक के स्पीड पे, दो के स्पीड पे भी चल जाता है, कपड़े सूख जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट रहता है, हर मानसून करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हवा जो है वो कंटिन्यूसली उसको फ्रेश मिलता रहना चाहिए। अब दोस्तों ये जो बेडशीट में धो रहा हूँ ये एक्चुअली एक्स्ट्रा है कपड़ों से, तो मेरा वहाँ का जो एरिया वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग सुखाने के लिए यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, और ऊपर यहाँ पे फैन भी चल रहा है, तो एक या दो के स्पीड पे आप फैन चलाइए आराम से सूख जाएगा। कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अभी इसका वेट ले लेते हैं कितना। 15:30 हो गया, तो और भी पानी इसमें कम हो गया है, तो इतना घुमाना एक्चुअली वर्थ था, तो इसमें जल्दी और सूखने के चांस बनते हैं देंगे। अभी टाइम हो चुका है 2 बजने वाले हैं, 12 जुलाई, वॉच देख लीजिए, देखते हैं कितने टाइम में सूख जाता है ये ऐसा दोस्तों रखा है हम लोग ने। एक्चुअली इसको ऐसे हम लोग जनरली रखते नहीं है, लेकिन ये क्योंकि बाकी सब फुल हो गए तो ऐसे सुखाने के लिए रखा है। तो फ्रेंड्स 13 जुलाई है, 11:20, और ये सुबह 7 बजे ही मेरी जो वाइफ थी उसने इसको घड़ी करके मतलब अच्छे से उसको अंदर रख दिया, तो सुबह 7 बजे एक्चुअली सूख गया था। चलिए अभी इसका मैं आपको वेट लेके बता देता हूँ, वेट कर लेते हैं। ये देखिए 1.125 kg। दोस्तों 580 ml में से 165 ml ऑलरेडी निकल चुका है, इसका मतलब कि 29-30% पानी जो है उस बेडशीट में से ऑलरेडी एक घंटे में निकल चुका है। तो इसी की वजह से हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग ने एटलीस्ट 30% जो टाइम है उसको हम लोग ने बचा लिया ड्राइंग का। तो दोस्तों हम लोग को पता तो था कि एयर ड्राइंग से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना फ़र्क पड़ता है ये आज हम लोग ने कैलकुलेशन करके और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख लिया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे इंस्टेंट अपडेट्स आपके फीड में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ टाइम, बाय बाय।